हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज माय गिराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुद्ध अर्धचालक अर्थात नैज अर्धचालकों की व्याख्या के बारे में। तो देखते हैं नैज या शुद्ध अर्धचालक की व्याख्या। तो शुद्ध अर्धचालकों में से हम जानते हैं कि जो नैज अर्धचालक है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो हम सिलिकॉन के ही संरचना की व्याख्या कर रहे हैं। तो जैसे ये सिलिकॉन है तो इसमें क्या होगा कि इनकी जो जालक संरचना है शुद्ध अर्धचालकों की, वो ठीक हीरे की जो जालक संरचना है उसके समतुल्य होती है। ठीक है ना, ये इस तरीके की जालक संरचना दिखा रहे हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में ये सब सिलिकॉन है और देखिएगा जैसा हमने दिखाया है कि जो शुद्ध या नैज अर्धचालक हैं इनकी जालक संरचना ठीक हीरे की जालक संरचना के समतुल्य होती है, और जिनमें इन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बंध बनाने की तीव्र प्रवृत्ति रखते हैं। तो जैसे देखिएगा, ये केंद्र परमाणु मान लेते हैं सिलिकॉन, इसके चार इलेक्ट्रॉन हैं 1, 2, 3 और 4। ये अपने पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बंध बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि जैसे एक ये है, एक इसका और एक ये, देख रहे हैं ना। ये कोई भी परमाणु हम जानते हैं अपनी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरित करता है, 8 बनाने का प्रयास करता है, यानी कक्षा भरना चाहता है। तो देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 4 थे, ये अपने पड़ोसी परमाणुओं के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेगा। कैसी? दो तरफा साझेदारी, और दो तरफा साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो इसी प्रक्रिया से ये सारे ऐसे होंगे, सबके पास ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है। तो इनको हम दर्शा सकते हैं इस प्रकार से पूरे में जालक संरचना में। तो ध्यान दीजिएगा कि जो नैज अर्धचालक है या शुद्ध अर्धचालक है इनकी जालक संरचना डायमंड अर्थात हीरे की जालक संरचना के तुल्य होती है, जिनमें इन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों में पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से दोतरफा साझेदारी अर्थात सहसंयोजी बंध बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। और ऐसी स्थिति मतलब कमरे के ताप पर अर्थात कम ताप पर होती है। इस अवस्था में कि ये जो संरचना बनी होती है ये न्यूनतम ताप पर होती है, लेकिन जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती जाती है इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए मुक्त होते जाते हैं, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से या प्राप्त होने से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आवेश लाने और ले जाने का कार्य करता है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होकर के बाहर आया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश जब अपनी जगह से हटेगा तो वहाँ एक खाली स्थान छोड़ेगा, जिसे हम उस खाली स्थान को होल कहते हैं, और उस जगह उपस्थित रिक्ति आवेश को हम धन आवेश भी बोलेंगे। कि यहाँ पर जब ऋण निकल जाएगा तो कैसा आवेश बचेगा? धन आवेश। तो ये कह सकते हैं कि जो वो खाली स्थान था जिसे हम होल बोलते हैं उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, और उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर था। तो ये नैज अर्धचालकों की व्याख्या है। ध्यान दीजिएगा, जब ये अपनी जगह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा तब के बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा कि नैज अर्धचालकों की जब व्याख्या करते हैं तो नैज अर्धचालकों का जालक संरचना ठीक हीरे की जालक संरचना के समतुल्य होती है, जहाँ इन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन अर्थात अर्धचालक के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बंध बनाने की तीव्र प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है ना, ये स्थिति
कमरे के ताप पर अर्थात कम ताप पर होती है, लेकिन जैसे जैसे इनको इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती जाती है या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती जाती है, ये इलेक्ट्रॉनों के जो बंध हैं टूटने लगते हैं और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो अपनी जगह खाली स्थान छोड़ता है, उस खाली स्थान को हम होल कहते हैं, और वहाँ उपस्थित जो रिक्त आवेश है वो धनावेश होता है, अर्थात रिक्त आवेश कहेंगे, वो उस होल पर उपस्थित आवेश रिक्त आवेश के तुल्य होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो उस जगह प्लस चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा, इसीलिए कहते हैं कि होल पर धनावेश होता है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस जगह क्या हो गया, ये होल बन गया। ठीक है ना, ये अब नेक्स्ट स्टेज है, फिगर टू मान लेते हैं। और जब ये स्थिति ऐसी आएगी, देखिएगा ये है इस तरीके से इसकी संरचना है जो हम पीछे भी बना चुके हैं, सब सिलिकॉन ही है, ये। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर ये लिखित था, ठीक है ना, और हमने ये दर्शाया है इसका इलेक्ट्रॉन ये, ये, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि इनके आसपास जैसे यहाँ पर उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हैं चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इस तरीके से साझेदारी है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये रिक्त यहाँ पर होगा तो क्या होता है शुद्ध अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल की गति के संबंध में। तो ये होल क्या है, जैसे इस जगह खाली स्थान मिलेगा, नोट करिएगा, जैसे ही पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों को इस जगह खाली स्थान दिखेगा तो पड़ोस का कोई इलेक्ट्रॉन कूदान भरेगा, जंप करेगा और उस खाली स्थान की जगह को भरेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे यही इलेक्ट्रॉन था यहाँ का ये, तो ये इस होल की जगह गति करके आ गया, तो इस जगह क्या हो जाएगा, इस जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला, देखिएगा हमने इसको क्रॉस से दर्शाया है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये होल कहाँ पर चला जाएगा, होल इसकी जगह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, पड़ोसी इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान की पूर्ति करेगा तो यहाँ तो पूर्ति हो गई, लेकिन जहाँ से वो स्टार्ट किया था चलना उसकी जगह खाली हो जाएगी, ये आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या है, अब ये आप जानते हैं कि जहाँ खाली जगह दिखेगी वहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये क्या है कि फिर इसकी जगह जंप करेगा, तो फिर अगली स्थिति में ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा और इसकी जगह पुनः खाली स्थान बन जाएगा जैसा कि पहली स्थिति में है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि जब पहली स्थिति में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ था तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जगह एक खाली स्थान बना था जिसे होल कहते हैं, उस होल पर धनात्मक रिक्त आवेश होता है। पड़ोस का कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे ही खाली स्थान देखेगा उस खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए अपनी जगह छोड़ करके उसकी पूर्ति करने के लिए आएगा, जैसा चित्र दो में दर्शाया गया है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, चित्र तीन के अनुसार देख रहे हैं कि पास का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और जहाँ से इलेक्ट्रॉन उदान भरा था उस जगह खाली स्थान हो गया। तो अब जैसे वहाँ खाली स्थान होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन उस खाली स्थान की पूर्ति के लिए जाएगा, तो ये यहाँ से फिर मान लेते हैं कि पहली स्थिति वन थी और दूसरी स्थिति टू है, तो टू से वन की तरफ जाएगा, तो फिर वन का जगह पूरित हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से और टू की जगह खाली स्थान हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि रिक्ति क्या है, होल क्या है, होल एक स्थिर जगह है, खाली स्थान है। ठीक है ना,
लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसके साथ ये खाली स्थान भी दौड़ के इसकी जगह आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यही गति है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होल की भी गति महसूस होती है, यानी ये आभासी गति कह सकते हैं, जबकि वो एक रिक्त जगह है, रिक्त स्थान है, जिसे हम होल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नैज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल की गति होती है, और इसका ये व्याख्या होगी। ठीक।